फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस टॉप 10। हेल्थ वर्ल्ड की हर सरगर्मी पर है हमारी नजर, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप ना रहें बेखबर उन जरूरी बातों से जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। एक नए मेहमान के आने की खबर फैमिली के लिए गुड न्यूज बनकर आती है, तो साथ ही एक प्रेग्नेंट महिला के लिए हर कदम पर सावधानी जरूरी हो जाती है, खासतौर से तब जब सवाल खाने से जुड़ा हो। हम आपको बताने जा रहे हैं उन फूड आइटम्स के बारे में जो प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान हार्मफुल हो सकते हैं। अवॉइड अनकुक्ड एंड रॉ मीट। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेगनेंसी में अनकुक्ड रॉ मीट या सी फूड खाने से फूड पॉइजनिंग का रिस्क ज्यादा होता है। ऐसे में प्रीटर्म लेबर, यहाँ तक कि मिसकैरेज भी हो सकता है, क्योंकि इस दौरान प्रेग्नेंट लेडी का इम्यून सिस्टम इस तरह के फूड इन्फेक्शंस को झेलने के लिए तैयार नहीं होता। अवॉइड हॉट डॉग एंड डेली मीट्स। इस दौरान दूर रहें हॉट डॉग समेत उन तमाम डेली मीट्स से जो कंटामिनेटेड हो सकते हैं। इन कंटामिनेटेड फूड आइटम्स में मौजूद लिस्टेरिया नाम का बैक्टीरिया गर्भ में शिशु के लिए नुकसानदेह है। याद रहे, एक्सपर्ट्स बताते हैं ऐसे फूड्स माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। अवॉइड इंपोर्टेड चीज। न्यूट्रिशियस डाइट में चीज इंक्लूड करना एक नॉर्मल ट्रेंड है, पर ध्यान रहे प्रेगनेंसी के दौरान इंपोर्टेड अनपैस्चराइज चीज में हो सकता है लिस्टेरिया नाम का बैक्टीरिया, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकता है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चीज का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। रॉ या अंडरकुक्ड एग्स की वजह से हो सकते हैं फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया जैसे तमाम कॉम्प्लिकेशंस। बी श्योर, अगर प्रेगनेंसी पीरियड में एग्स खाने हैं तो ध्यान रखें कि कुकिंग से पहले एग्स फ्रिज में ही रहें। क्रैक्ड एग्स तो भूल कर भी ना यूज करें। रॉ एग्स के लिए जो बर्तन यूज किए हैं वो अच्छी तरह साफ हो, और अंडे से बने खाद्य पदार्थ हमेशा फ्रिज में रखें। अवॉइड सी फूड। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेगनेंसी में कुछ खास किस्म की फिश भी कॉम्प्लिकेशंस की वजह बन सकती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस दौरान शार्क, स्वॉर्ड फिश, किंग मैकरल जैसी फिश नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनमें भारी मात्रा में मर्क्यूरी होती है जो गर्भस्थ शिशु के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। यहाँ तक कि इसमें डेवलपिंग बेबी का ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। जरूरी है ये अवेयरनेस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपकी सेहत पर हमला करने वाले उन खतरों की जो आपकी नजर से छिपे रहते हैं, उन फूड आइटम्स की जिन्हें खाने से प्रेगनेंसी पीरियड में हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशंस। अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ टी एंड कॉफी। स्टडीज कहती हैं कि ज्यादा कैफीन कंजम्पशन से बर्थ डिफेक्ट्स और मिसकैरेज हो सकते हैं। याद रखिए, जानकार लोग शुरू के 12 हफ्ते तक कैफीन को बिल्कुल अवॉइड करने की सलाह देते हैं, इसलिए जहां तक हो सके चाय और कॉफी का इस्तेमाल ना ही करें। क्लीन योर रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नॉर्मल कंडीशन में फल और सब्जियों को बिना धोए खाने से नुकसान हो सकता है, तो फिर प्रेगनेंसी तो एक डेलिकेट स्टेज है, इसलिए प्रेगनेंसी में खासतौर से बचिए उन अंडे के कीटाणुओं से जो सैकड़ों इन्फेक्शन लेकर बिना धुले फलों, सब्जियों और स्प्राउट्स में जा छिपते हैं। इसलिए फल, सब्जी या अंकुरित भोजन को इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अच्छी तरह धो लें। अवॉइड ईटिंग लिवर। गायनेकोलॉजिस्ट बताते हैं कि प्रेगनेंसी में लिवर खाना है तो बहुत नपे तुले अमाउंट में खाना चाहिए, क्योंकि लिवर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, और स्टडीज के मुताबिक जरूरत से ज्यादा विटामिन ए बर्थ डिफेक्ट्स उत्पन्न करता है। से नो टू स्मोकिंग। इस स्टेज में खतरनाक है स्मोकिंग। माँ और बच्चे दोनों को ही बीमार कर सकता है सिगरेट का धुआं, तो अवॉइड कीजिए ये जहरीला स्मोक, जिससे बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, उसका वेट भी घट सकता है। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। अपने मन से दवाएं खाना मुसीबत को बुलाना है। ओवर द काउंटर मेडिकेशन माँ और शिशु दोनों के लिए नुकसानदेह है। याद रखिए, इस अवस्था में माँ जो भी खाती है वो उसके प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक भी पहुंचता है, इसलिए जो मेडिसिन लो अपने डॉक्टर की सलाह से लो। सो व्यूअर्स, प्रेगनेंसी के दौरान सोच समझ कर बनाइए अपना डाइट चार्ट, ताकि माँ और शिशु दोनों स्वस्थ रहें।
फिटनेस अलर्ट के अगले एपिसोड में हेल्थ से जुड़े कुछ और फैक्ट्स लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।